देखिए बेटा, जो आपकी टॉपिक है ना, मोमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इसी में है ये। तो सबसे पहला एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या है? तो देखिए हम प्राइस लेंगे, प्राइस क्वांटिटी। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, अब देखिए हम इसी टेबल को डिफाइन करेंगे। ड्यू टू फॉल्स इन प्राइस, ड्यू टू फॉल्स इन प्राइस, डिमांड राइज, ड्यू टू फॉल्स इन प्राइस, डिमांड राइज। एक्सटेंशन ऑफ, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोलेंगे। प्राइस के कम होने से जब आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोलेंगे। अब इसका डायग्राम बनाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 क्वांटिटी। ठीक है, जब आपकी प्राइस 5 रुपए है तो क्वांटिटी आपकी 1 रुपए है। जब आपकी प्राइस 1 रुपए हो गई तो क्वांटिटी आपकी 5 रुपए हो गई। तो जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट आपका आता है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस, क्वांटिटी, अब उल्टा लेना है, बिल्कुल इसको रिवर्स कर लेना है आपने। इफ द प्राइस राइज फ्रॉम 1 to 5 देन आवर क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम 5 to 1, that is contraction of demand. ठीक है, due to rising price, if demand falls, that is contraction of demand. अब इसको डायग्राम बनाइए, x axis, y axis, price, quantity. एरो ऐसे जाएगा, जैसे इसका एरो ऐसे आया ना, इसका एरो कैसे जाएगा? उल्टा हो जाएगा। और लिख देंगे ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम 1 to 5 आवर क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम 5 to 1, दैट इज कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए आपको, एक्सटेंशन ऑफ कंट्रैक्शन। इंक्रीज इन डिमांड, अब देखिए इंक्रीज इन डिमांड में हम किस प्रकार से लेंगे? प्राइस,
चेंज द प्राइस, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, डिमांड राइज। इफ देयर इज नो चेंज इन द प्राइस बट डिमांड राइज, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। तो देखिए इसका डायग्राम बनाएंगे, एक्स एक्सिस प्राइस, देखो प्राइस में कोई चेंज नहीं है तो ये तो सीधी लाइन आ जाएगी, प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हुआ है। पहले आपकी ₹10 प्राइस पर डिमांड थी 10, ये थी पहले ₹10 की प्राइस पे ₹10 डिमांड थी, तो ये डीडी करो ठीक है। अब आपकी डिमांड जो है, अब जो चेंज हुआ है ना उसको डॉट में दिखाना है ठीक है। D1 दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। अब इसको किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे, ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी, ऑन वाई एक्सिस प्राइस, प्राइस ठीक है। देयर इज नो चेंज इन प्राइस, डिमांड इंक्रीज 10 to 20। इन दिस सिचुएशन डिमांड कर्व शिफ्ट राइट वन, DD2 D1 D1, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। अब देखिए डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड में उल्टा हो जाएगा, प्राइस ₹10, नो चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी 10 से 5 हो गई ठीक है। अब 10 से 5 हो गई तो देखो डायग्राम यही है, ये इधर आ जाएगा और D2 ये आपका जो ये आपका क्या कहलाएगा, डिक्रीज इन डिमांड। तो डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस बट द क्वांटिटी फॉल्स, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड। इफ देयर इज नो चेंज इन द प्राइस एंड क्वांटिटी इंक्रीज राइज, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। क्लियर हो गया दोनों पॉइंट। अब इसमें पॉइंट आता है आगे, काजी जो इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड के क्या काजी है। तो देखिए इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड इंक्रीज कब होती है, व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइज, कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी। देखिए जब आपकी इनकम बढ़ जाती है, मान लीजिए जब आपकी इनकम कम है आप 2 पेन खरीद रहे हैं, जब आपकी इनकम बढ़ गई तो आप क्या करेंगे, 2 की बजाय 3 पेन खरीद रहे हैं, तो आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो गई, मान लीजिए टी एंड कॉफी, कॉफी की प्राइस इंक्रीज हो गई तो आप कॉफी को नहीं खरीदेंगे, चाय को खरीदना ज्यादा करेंगे, तो आपकी टी की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। व्हेन प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स, कंप्लीमेंट्री गुड्स में आते हैं पेन और इंक, पेट्रोल और गाड़ी, इनकी प्राइस कम होने से, पेट्रोल की प्राइस कम होने से कार की डिमांड बढ़ जाएगी, पेन की प्राइस कम होने से इंक की डिमांड बढ़ जाएगी ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर इन द फेवर ऑफ प्रोडक्ट, आप कंज्यूमर हैं, आपका टेस्ट और प्रेफरेंस प्रोडक्ट के फेवर में है तो उसके
डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, और जब डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो आपका जो डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन द फ्यूचर, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की संभावना है आपको, या फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम होने की संभावना है तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। जैसे आपने कुछ टाइम पहले देखे प्याज की प्राइस बढ़ गई, क्यों? क्योंकि हमें लगा कि फ्यूचर में इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, फ्यूचर में अवेलेबल नहीं होगी तो अभी खरीद के रख लो तो इसकी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो काजीज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। अब आता है काजीज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड के जो काजीज है बिल्कुल इसके रिवर्स होते हैं। व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल्स, इसमें इनकम बढ़ी थी उसमें इनकम क्या हो गई, कम हो गई। सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस इंक्रीज में इंक्रीज हुई थी उसमें क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कंप्लीमेंट्री गुड्स इसमें फॉल्स हुआ था उसमें इंक्रीज हो जाएगा। टेस्ट इसमें फेवर में था इसमें क्या हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा। फैशन इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी जो है इसमें रिड्यूस हो रही थी उसमें क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या है कि जो डिक्रीज इन डिमांड है उसके आपने जस्ट जो इसके पॉइंट लिए हैं उससे रिवर्स पॉइंट। ठीक है बेटा, तो आज मैंने आपको चार पॉइंट कराए हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कंट्रक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, काजीज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड एंड काजीज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड।